अरे रूपा जी साहब, छोड़ो ना, कितना काम करती हो तुम, जरा हमारे बारे में भी सोचो भाई। आप खुद ही इतने बड़े बड़े चोरों को पकड़ते हैं। अरे चोर तो मेरे घर पे ही है। चोर घर पे? हाँ, जिसने मेरा दिल चुराया है, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ उस चोर को। क्या साहब, कौन है वो चोर? अरे छोड़ो ना, काम छोड़ो, आओ बैठो, आराम करो। अरे आओ, छोड़िए ना साहब, आओ ना बैठो, तुम आराम करो थोड़ा। साहब आपको लेट हो रहा होगा जाने में। अरे तुम्हारे रहते क्या लेट क्या जल्दी। रूपा एक बात बताओ, क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? अच्छे लगते हैं मालिक, आप कितना ख्याल रखते हैं हमारा, बहुत अच्छे लगते हैं। देखो मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी मेरे दिल की बात कोई सुनता ही नहीं, कम से कम तुम तो सुन लो। क्या मतलब है मालिक? मतलब तुम समझी नहीं अभी तक। देखो मैं तुमको चाहता हूं। ये क्या बोल रहे हैं मालिक? सच बोल रहा हूं, मैं शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे हैं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। अरे धोखा देने के लिए कौन कह रहा है तुमसे, बस तुम मेरा ख्याल रखो ना, और क्या चाहिए मुझे? नहीं मालिक। देखो बात को समझो मेरी, मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा। समझो ना बात को प्लीज। अच्छा ठीक है मालिक, आप ड्यूटी पे जाइए, शाम को मैं आपको खुश कर दूंगी। सच्ची? इतनी प्यारी है तो, बहुत समझदार है। अच्छा ठीक है, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए रहेगा तो बता देना। हाँ कुछ खाने पीने का सामान लेते आइएगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है मैं लेके आऊंगा। चले चलो बाय। ठर की कहीं का, जब जाता है ड्यूटी तब मेरे से उल्टा सीधा बात करता है। थक गई हूँ यार, लगता है मुझे ये जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। अरे भैया जा रहे हैं? हाँ मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक है ध्यान रखना अपना। ठीक है कब तक आएंगे आप? शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है भैया। हाँ चलो। आज रूपा सबका दिल की बात बोल दूंगा, आज मौका भी अच्छा मिला है, ये भी घर पे नहीं तो देरी किस बात। रूपा जी साहब, क्या कर रही थी? काम कर रही थी। कितना काम करो, दिन भर काम ही करती रहोगी। रूपा सुनो ना, एक चाय लेके आओ ना। ठीक है लाती हूँ मालिक। मालिक चाय। अरे कहाँ जा रही हो? मालिक काम करने हैं। अरे क्या काम, दिन भर तो काम ही करती रहती हो, एक काम करो बैठो तुम यहाँ पे। अरे बैठो ना। बैठो। जी मालिक। हाँ तुमसे एक बात कहने दी। कब तक तुम इस घर का काम करती रहोगी? मैं तो तुम्हें इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं मालिक,
मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। क्या तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ। पर तुमने तो बताया नहीं कभी। मालिक, कभी मौका ही नहीं मिला बताने का। और ये सब मेरी अपनी पर्सनल बातें हैं, मैं ये सब आपको क्यों बताऊं? मुझे सिर्फ काम से मतलब है, मैं काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ। वो सब तो ठीक है रूपा, लेकिन मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझा करो। मालिक, ये सब मत बोलिए उससे, ये गलत बात है। मेरे पति हैं और मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। तो मैं तुम्हें कहाँ कह रहा हूँ पति को छोड़ने के लिए? बस तुम मेरा ख्याल रखो, तभी ख्याल रखो। साहब, ये गलत बात है। अगर ऐसे ही चला तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम नौकरी मत छोड़ो, लेकिन फिर भी एक बार तुम ना मेरे बारे में ना विचार करो। आपके भाई भी मेरे पीछे पड़े हैं और आप भी। क्या भैया भी तुमको पसंद करते हैं? हाँ, पसंद नहीं करते, आप दोनों मेरे पीछे पड़े हो। अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगी ना तो भैया को मैं रास्ते से हटा दूंगा। क्या? हाँ। भैया को आप रास्ते से हटा देंगे? हाँ। लेकिन ये तो गलत बात है ना। गलत क्या है, सही क्या, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस तुम चाहिए और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ठीक है, आप बड़े मालिक को रास्ते से हटा देंगे तो मैं आपको खुश कर दूंगी। तो ये काम आज हम लोग शाम को ही करेंगे। फिलहाल मुझे खुश कर दो। अरे यार, इसके चक्कर में ड्यूटी से जल्दी आया और ये देखो अभी भी काम कर रही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे शाम को भी काम कर रही हो? दिन भर काम करती है, क्या काम करेगी? थोड़ा आराम कर लो। अच्छा, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? जी मालिक। छोड़ो ये काम, चलो। ठीक, मैं रख के आती हूँ। आज तो मजा आ जाएगा। अरे रूपा, आओ ना जल्दी से, आओ बैठो। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। जानती हो, तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के आया। आज मैं अपने बरसों का सपना पूरा करूंगा। तो साहब, देर किस बात की, करिए आप अपने सपने पूरे।
सुनो, मैं चाहता हूँ ना तुम मेरे यहाँ हमेशा काम करो और मुझे खुश करती रहो, और मैं तुम्हें पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, जो चाहो वो दे दूंगा, ठीक है? ठीक है साहब। साहब मैं एक मिनट में आती हूँ। अब क्या हुआ? वो दूध मैंने गैस पे रख दिया, एक मिनट। अरे यार, क्या हुआ? तुम सो रहे हो? वह तुम्हारा भाई मेरे साथ सब कर देगा, तवा हो गए क्या? क्या भैया आ गए? हाँ आ गया, मैं चलती हूँ, तुम पीछे से आना। अरे कहाँ चले जाती हो यार, तेरा मूड खराब कर देती हूँ। कोई दूध रख दिया था ना? छोड़ो ना दूध को, यहाँ मेरा खून उबल रहा है और तुम्हें दूध की पड़ी है। आओ आओ। भैया, अरे रॉकी तू यहाँ क्या कर रहे है? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं चाहे जो भी करूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? भैया छोटा हूँ बड़ी बात, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? उसे तो मैं पसंद करता हूँ। क्या? हाँ, और सुनो, इस घर का बड़ा मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं रूपा से प्यार करता हूँ, बस बात खत्म। भैया प्यार मैं भी इससे करता हूँ। चुप हो जाइए आप लोग, मैं आप में से किसी से प्यार नहीं करती हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग, मेरा घर बर्बाद हो जाए, मेरे बच्चे रोड पे आ जाए? अगर आप ही लोग ऐसा करेंगे तो हम जैसी गरीब लड़की, गरीब मजबूर औरत कभी किसी मालिक के यहाँ काम नहीं करेगी, कभी कहीं जॉब नहीं करेगी। और हाँ, मैं आज ही इस नौकरी को छोड़ के जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम काम छोड़ो मत, हम बात करते हैं। रुको भैया। क्या हुआ बोलो? बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। और हाँ रॉकी, मुझे भी लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। हाँ भैया, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। रूपा, वैसे माफी के काबिल तो नहीं है हम लोग, फिर भी हमें माफ कर देना। नहीं नहीं मालिक, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया और कुछ नहीं चाहिए मालिक। ठीक है, तुम्हें काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे अच्छे से काम करो, तुम पे कोई बुरी नजर नहीं रखेगा, ठीक है? ये हमारा वादा है। धन्यवाद मालिक, जाओ अपना काम करो। रॉकी, तुम लोग की आंखें खोल दी। हाँ यार रॉकी, मुझे लगता है यार मेरी तो उम्र निकल गई शादी की, मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। नहीं भैया, जब तक आपकी शादी नहीं हुई तब तक मैं शादी नहीं करूँ। भैया आप सोचिए, जल्द से जल्द भाभी को लेके आइए और इन सारी झमेले से दूर रहना है। ठीक है, देखता हूँ, मेरे लिए कुछ रिश्ते आए हैं, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ और तुम्हें तुम्हारी भाभी देता हूँ। थैंक यू भैया।